जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनमें चंद ट्रेट्स होते हैं, चंद आदतें होती हैं जो उनको दूसरे कैंडिडेट से मुख्तलिफ करती हैं, और मैं कहूँगा कि ये हर सक्सेसफुल फील्ड में ये चंद आदतें आपको मिलेंगी। फर्स्ट जो आदत है वो है कंसिस्टेंसी। वो कंसिस्टेंट होते हैं, वो थके बैठते नहीं हैं। मैंने 5 साल कंसिस्टेंट लगातार एग्जाम दिया है, एक भी साल मेरा उसमें ब्रेक नहीं रहा है। तो ऐसे ही आप कंसिस्टेंसी लाइए, बैठने की आदत डालिए। स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे मेरा कहने का मतलब, बैठने की आदत, 8-8 घंटे आपको सिर्फ बैठे रहना है। मेरे पास स्टूडेंट आते हैं कहते हैं सर मैं यूपीएससी कैसे निकालूं, मैं कहता हूं पहले बैठ जाओ, तो वो समझते हैं मैं कह रहा हूं अभी बैठ जाओ, मैं कहता हूं नहीं आप 8 घंटे बैठो। कहते हैं सर हम क्या करें, मैंने कहा कुछ नहीं करना, मोबाइल बंद रखना, एक किताब सामने रखना, बस बैठ जाना और तय कर लेना कि 8 घंटे उठना नहीं है। जब आप 1 घंटा बैठोगे तो आप बोर होने लगोगे, आप चाहोगे कि आपको कुछ पढ़ना है। तो आप ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में जब आप जाते हैं तो क्या आपको शौक है वहां पे क्या लिखा है पढ़ने का? क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आप बोर हो जाते हैं, इंसान को कुछ काम करना है। तो जब आप बैठ जाओगे आपका मोबाइल आपके पास नहीं रहेगा, तो आप किताब ढूंढोगे पढ़ने के लिए, और ऐसे ही धीरे 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 आपको पढ़ने की आदत हो जाएगी। तो पहले बैठिए, दूसरा प्लान करके बैठिए, स्ट्रैटेजी बनाइए, कोई भी चीज़ को स्ट्रैटेजी के साथ कीजिए कि इतने दिन में मुझे ख़त्म करना है, टारगेट सेट कीजिए। तीसरा हकीम मत बनिए। अब मैं क्यों कह रहा हूँ हकीम मत बनिए, हकीम की खास बात होती है वो अपना नुस्खा किसी को नहीं बताता। हकीम की खास बात होती है नुस्खा किसी को नहीं बताता। यहां पे आपको अगर आप समझ रहे हैं कि आप हकीम हैं, आप भी किसी को नुस्खा नहीं बताएंगे तो आप नुकसान में हैं, क्योंकि दूसरों के नुस्खों से आप महरूम रह जाएंगे। आपको यहां पर इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं तो मेरा और 339 रैंक लाने वाले औरंगाबाद के ही शेख सलमान का है, हम दोनों तो रूममेट हैं, चाहते तो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन छुपा देते। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊंगा, कल ही यूपीएससी के मार्क्स सामने आए, सलमान और मेरे पूरे एग्जामिनेशन साइकिल में अलग अलग लोगों ने एग्जाम लिया है। इंटरव्यू किसी 5 अलग लोगों ने लिया, मेरा अलग पैनल, उसका अलग पैनल, मेरे पेपर किसी और इंसान ने चेक किए, उसके पेपर किसी और इंसान ने चेक किए। लेकिन अगर आप मार्क्स देखेंगे तो आप हंस पड़ेंगे कि मुझे इंटरव्यू में है 171, सलमान को है 171, मुझे रिटर्न में है 850, सलमान को है 849। ये रिटर्न जो मार्क्स आए हैं ये 9 पेपर को करेक्ट कंट्रीब्यूट करके पूरा काउंट करके आए हैं। तो आप देख सकते हैं जामिया में सब हम पर हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम दोनों ने इतनी अच्छी चीटिंग कैसे कर ली। तो ये चीटिंग नहीं थी, ये हम दोनों का कंट्रीब्यूशन था, हम दोनों ने जो एक दूसरे की मदद की, जो पॉजिटिव कॉम्पिटिशन हमने रूम में लेकर आया, हम लोगों ने ग्रुप में तैयारी की। मुझे पता था कि मेरी सीट सलमान नहीं ले जाएगा, सलमान अपनी सीट ले जाएगा। ऐसे ही आप श्योर रखिए कि आपकी सीट आपकी फ्रेंड नहीं ले जाएगी, आपका दोस्त नहीं ले जाएगा, आपका मुकाम तो अल्लाह ने बना कर रखा है। तवक्कुल कीजिए, अगर आप इस मामले में अगर आप सोचते हैं कि आपकी पढ़ाई आपको नौकरी दिलाएगी तो आपका अल्लाह पर रज़ा होने का भरोसा नहीं है। कोई भी तालीम नौकरी नहीं देती, अल्लाह नौकरी देते हैं। तालीम जो देती है डिसेंसी देती है, तालीम डिसेंसी देती है, बात करने का सलीका देती है। तो आपको यहाँ पे हकीम नहीं बनना है, आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। चौथा यहाँ पे करना है अपने आप की गलतियों को, आपको ज़्यादा से ज़्यादा गलती करनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा गलती करनी है। एग्ज़ाम हॉल में जाकर गलती करने से अच्छा है यहाँ पे आप जितनी चाहे गलती कीजिए, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम हॉल में गलती करते हैं तो एग्जामिनर कुछ नहीं कहता, वो कहता बेटा अगले साल आओ, वो कहेगा बेटा अब अगले साल आओ। तो आप अगर पहले ही गलती करके जाओगे तो एग्जाम हॉल में आप बहुत कम गलती करोगे और आप पास हो जाओगे। तो आप यहाँ पे टेस्ट लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ये चंद ट्रेड्स है, अगर आप इनको अपना लेंगे तो डेफिनेटली आप क्वालिफाई करेंगे, जो भी एग्जाम होगा आप क्वालिफाई करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? हम कहते हैं ना कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? सबसे पहला जो सोर्स है वो है नॉलेज। जो आदमी नॉलेजेबल होता है उसको कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा, जो इंसान सच बोलता है वो कॉन्फिडेंट होता है, सच बोलिए। तीसरा, जो इंसान अपने आप को जानता है वो कॉन्फिडेंट होता है।
और चौथा जो खुदा पे भरोसा रखता है वो कॉन्फिडेंट होता है। तो इन चार ट्रेट्स को अपने अंदर लाइए, कॉन्फिडेंट हो जाइए। ये सारे स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे कारगर रहेगा, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इन क्वालिटीज को अपने अंदर लाने की बहुत ज्यादा कोशिश कीजिए।